ये जो छः साल की जर्नी रही है टू इवन रीच द अटेम्प्ट ऑफ यू वो बहुत फैसिनेटिंग थी मेरे लिए 2019 में जब अपना पी एच ड्रॉप आउट किया वो जर्नी अपने आप में थोड़ी परेशानी वाली थी मेरी जर्नी यू में ऐसी रही कि मैं पाँचवें अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया है और स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर मैं प्री नहीं क्वालिफाई कर पाई थी आपकी ये सर्विस आपका ये एक रैंक लाना आपका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है इट कैन नॉट बी योर सोल आइडेंटिटी हेलो एवरी वन आई एम सारिका चौधरी आई हैव सिक्योर्ड फाइव फोर्टी एट ऑल इंडिया रैंक इन दिस ईयर ऑफ़ यू पी एस सी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन एंड आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सबके सामने अपनी इस एग्ज़ामिनेशन में एंड लाइफ में जो मैंने अभी आज अचीव किया है उसकी जर्नी शेयर करने के लिए सो इट बिगैन द फर्स्ट टाइम वेन माई लेट मिटर्नल ग्रैंड फ़ादर ही टोल्ड मी कि यू पी एस सी एक एग्ज़ाम होता है तब मुझे ये एग्ज़ाम क्या है क्या इसका प्रोसेस है इससे क्या बनते हैं मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था जस्ट दैट कि एक आइडिया प्लांट हुआ कि ठीक है यूपीएससी भी कोई एग्ज़ाम है जिसके लिए तैयारी की जाती है और बहुत टफ़ एग्ज़ाम है तो ईजिली क्लियर नहीं होता तो उससे थोड़ा फैसिनेशन हुआ कि अच्छा ऐसा कोई एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता है उस टाइम पर मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी तो ट्वेल्थ क्लास में मैंने वो स्ट्रीम चेंज की और मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया ट्वेल्थ में मैं अपनी स्कूल के टॉपर थी और मुझे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला मैं पिलानी टाउन राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है वहाँ से बिलोंग करती हूँ और वो फेमस ही बिट्स इंस्टीट्यूट के लिए है और मुझे वहाँ एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में एंड वो बिट एज अ टॉपर तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे घर वालों के लिए मेरे स्कूल वालों के लिए सब के लिए बट सिंस एक आइडिया प्लांटेड था कि अच्छा यू एक, एक एग्ज़ाम है जिसके लिए तैयारी करनी है मुझे आ, उस टाइम मैंने एक स्टेप लिया कि मुझे इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट करना था तो मैंने बिट्स में अपना एडमिशन ड्रॉप किया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं डेली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लूँगी क्योंकि एग्जैक्ट वो कट ऑफ क्लियर हो रही थी मेरी तो मैंने वहाँ अपना एडमिशन किया हिंदू कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन में अपना हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट लिया क्योंकि दिमाग में था कि हिस्ट्री को कभी ऑप्शनल लेना है अपने सब्जेक्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम में तो वहाँ से वो जर्नी बिगिन हुई पर चलते चलते लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हुए कि जो मुझे 2014 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जहां मुझे एग्जाम देना था मैं पहुंची 2019 में जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया यूपीएससी का सो so ये जो छः साल की जर्नी रही है टू इवन रीच द अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी वो बहुत फैसिनेटिंग थी मेरे लिए मुझे लगता था कि यू करना मेरा एम है बट जब मैं डेली आई मुझे रियलाइज़ हुआ दैट मैं अभी तक एक पौंड में थी एंड नाउ आई एम अमिट्स दी ओशन एंड यहाँ पे इतनी ऑपरचुनिटीज़ है, हैं इतनी चीज़ें हैं जहाँ से सीखने को मिलेगा और सिंस मैं छोटे टाउन पिलानी से बिलोंग करती हूँ डेली अपने आप में एक कल्चरल शिफ्ट था मेरे लिए तो यहाँ आके अपने आप को एडजस्ट करना वो सब्जेक्ट पढ़ना जो शायद मैंने क्लास टेंथ के बाद कभी सोचा नहीं था साइंस से हिस्ट्री चेंज करना तो बहुत चीज़ें डिफरेंट थी और जैसे जैसे मैं अडाप्ट करती चली गई मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया और मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में जब सब्जेक्ट को पढ़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक दिमाग में आया कि ये करियर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता तो मैंने उसको चूज़ किया कि मैं हिस्ट्री के अंदर कुछ करती हूँ मैंने नेट क्लियर किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियरिंग में ही 2015 में एंड उससे और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हिस्ट्री की तरफ कुछ कर सकते हैं वो जो आइडिया बिगिनिंग में कहीं था वो शायद कहीं रह गया नीचे और उसके ऊपर हिस्ट्री के अंदर कुछ करने का मन स्टार्ट हुआ मेरा वहाँ से मैंने डेली यूनिवर्सिटी अपनी टॉप की एम हिस्ट्री में एंड मैंने एम के लिए स्टार्ट किया प्रिपरेशन एंड फॉर्चुनेटली मेरा जे एन यू एम फिल कलियर हो गया टू थाउजेंड सिक्सटीन में तो वो इतनी बड़ी चीज़ थी मुझे लगता था कि इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का और वहाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है तो वाई नॉट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एंड सी वॉट द इंस्टीट्यूट कैन गिव मी एंड वॉट कैन आई लर्न फ्रॉम इट तो मैंने टू थाउजेंड सिक्सटीन में अपना एम फिल स्टार्ट किया और मैं जे एन यू पहुँची मैंने वहाँ देखा द रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत अमेजिंग है बहुत वेल रेड स्कॉलर्स हैं और बहुत वो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो रीज़न है उसका तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। पर धीरे धीरे एम करते वक्त मैंने सोचा 2017 में कि जिस रीज़न से मैं दिल्ली आई थी जिस रीज़न से मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा था वो रीज़न शायद कहीं अब है ही नहीं तो मैं क्यों कर रही हूँ डिफिकल्टीज भी थी एम बहुत डिफिकल्ट था इट वॉज़ नॉट एन ईजी जर्नी एट ऑल रिसर्च इन इट सेल्फ इज समथिंग विच इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी फिल्ड विद लॉट ऑफ सेल्फ डाउट तो उस टाइम वो सेल्फ डाउट में होते होते अपने क्वेश्चन करते डिसंस को आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ यू पी एस सी दैट आई वॉन्ट टू परस्यू एंड वो वहाँ से मैंने दो हज़ार उन्नीस में जब अपना पी एच डी ड्रॉप आउट किया वो जर्नी अपने आप में थोड़ी परेशानी वाली थी स्ट्रगल वाली थी बिकॉज मुझे उस टाइम पे डिप्रेशन क्या होता है पता नहीं था मुझे उस टाइम पे मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्या होती हैं इसका अंदाज़ा नहीं था क्योंकि कभी फेस नहीं की थी खुद से हमेशा दूसरों का सुना था तो फर्स्ट टाइम 2017 में जब मुझे डिप्रेशन वाली टेंडेंसीज आना स्टार्ट हुई किसी ने मुझे बताया कि हाँ यू माइट हैव दिज टेंडेंसीज आई रियलाइज्ड दैट ओ आई एम गोइंग इन टू लो लाइफ कंडीशन बिकॉज ऑफ़ द डाउट्स एंड द एग्जाइटीज़ एंड द अनसर्टनिटीज ऑफ द फ्यूचर तो फॉर्चुनेटली एंड मिस्टिकली आई वुड से लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम पे हुई जब मैंने एक मेंटर को इनकाउंटर किया इन माय लाइफ एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर दाइसा को वो जैपनीज़ फिलोसोफर हैं पीस बिल्डर हैं एंड उनके वर्क्स को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम पे मैं सीख कर रही थी आंसर्स कि मुझे क्या करना है लाइफ में मुझे एम कंटिन्यू करनी है जिसमें मुझे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ रहा था बट समेर एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यू के लिए यहाँ आया आया गया है तो जब वो चीज़ दिमाग में आई मैंने उनके को पढ़ना स्टार्ट किया एंड वहाँ से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि आपकी लाइफ में हमेशा एक पर्पस ज़रूरी है एंड उस पर्पस के टूअर्ड्स आपको काम करना है तो मैंने अपने अपने अंदर वो एक चेंज लाया कि मुझे पर्पस ओरिएंटेड इंसान बनना है एंड समवेयर अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं पी से ड्रॉप आउट लेना है बहुत बड़ा डिसीजन था इज ईजी डिसीजन नहीं था क्योंकि पहले भी बिट से ड्रॉप आउट लिया था यहाँ फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ दो साल में तीन साल में, में मेरी पी हो सकती है और एक करियर ऑप्शन खुला है मेरे सामने वहाँ से वो चीज़ ब्रेक करना और वहाँ से सबको ये कन्विक्शन देना कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ वो सही है और अपने आप में वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ रखना एंड डाउट ना करने अपने आप को वो बहुत मेजर एक टर्न आया मेरे लिए 2019 में एंड मैंने फुल कन्विक्शन के साथ पीएचडी से ड्रॉप आउट कर लिया सब लोगों ने बोला आसपास कि मत करो सब लोगों ने बोला कि हम हेल्प कर देंगे पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी हो जाएगी करियर ऑप्शन होगा उसके बाद तुम कर सकते हो यूपीएससी बट आई सिंपली दैट माई लाइफ नीडेड टू टेक दैट डिसीजन एंड ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है सब लोग तैयारी करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में तैयारी करते हैं पीएचडी के साथ करते हैं मैंने आसपास अपने लोगों को देखा है ऐसे करते हुए लो, लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं पर मुझे लगा मेरे लिए वो डिसीजन सही था कि मैंने पी से ब्रेक किया दो में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया मैंने तैयारी दो से थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी क्योंकि अंदर से था कि करना है अट्ठारह में करते वक्त मैं उस साल का अटैम्प नहीं दे पाई थी ऑल दो थोड़ी तैयारी थी पर मैं अटैम्प्ट में नहीं बैठ पाई थी आई रिमेंबर दो जून का एग्जाम था एंड वो एक साल तैयारी करने के बावजूद एग्जाम में ना बैठ पाना अपने आप में थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था बट आई सेड कोई बात नहीं इसको ओवरकम करते हैं एंड और शायद बेटर प्रिपरेशन के साथ मुझे अगले साल बैठना है तो उन्नीस में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और यहाँ से जो जर्नी बिगिन होती है वो ऑल द मोर स्ट्रगल्स वाली है ऑल द मोर चैलेंजेस वाली है ऑल द मोर सेल्फ डाउट वाली है क्योंकि मेरी जर्नी यू में ऐसी रही कि मैं पाँचवें अटैम्प्ट में मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया है और स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर अटैम्प्ट मैं प्री नहीं क्वालिफाई कर पाई थी फोर्थ अटैम्प्ट में अपना सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाई थी तो ये जो चार साल की जो जर्नी रही है एंड इफ आई से क्यूमुलेटिवली तो सात साल की क्योंकि मैंने तैयारी पहले से बिगिन की थी तो जो ये जर्नी रही है सेटबैक्स की कंटिन्यूसली इसमें हर वो डिसीजन जो मुझे वहाँ जिसने मुझे पहुँचाया मैं उसको क्वेश्चन कर रही थी एक पॉइंट में पहले दो अटेम्प्ट में लगा कि शायद नॉलेज कम है अंडरस्टैंडिंग जो एग्जाम प्रोसेस की थी वो शायद नैरो थी लगता था कि नॉलेज गेन करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा बट देन आई रियलाइज्ड कि नॉलेज इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कम इन टू अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एग्जाम पढ़ तो सभी रहे हैं शायद मेरे से ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं और मेरे से कम भी पढ़ रहे हैं और सब लोग क्लियर कर रहे हैं तो व्हाट इज़ इट दैट ओनली नॉलेज कैन गिव यू तो नॉलेज इज़ वन पार्ट ऑफ इट देन आई रियलाइज की स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना है एंड यू टुक मी टू ईयर्स टू रीली अंडरस्टैंड की वो स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए बिकॉज बिगिनिंग में मैं इस चीज़ से भी स्ट्रगल करती थी कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में एंड वो भी गलती कर करके और वो गलती बहुत भारी गलती थी कि एक साल मुझे उस चीज़ पे काउंट करना पड़ा तो जब वो हुआ स्टार्टिंग के दो साल मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और बेटर कर सकती हूँ थर्ड अटेम्प्ट मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन में दिया कोविड उस टाइम तक हिट कर चुका था एंड आई थिंक हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा पैंडमिक सबसे बड़ा एक सेटबैक था वो ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो उसमें जो हाइटेंड एंड एंगजाइटीज़ थी उसके अमिडस्ट जो एंगजाइटीज़ ऑफ माई फ्यूचर लाई कर रही थी मैंने दोनों से डील किया ओनली बिकॉज जो मैंने बताया कि मेरे जो मैंटर हैं डॉक्टर दाइसा कोकेदा उनके वर्क से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रही और 2017 में मैंने वो इनकाउंटर की थी फिलॉसफी जो वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में एंड मैंने डिलीजेंटली उसको अपने माइंड में अपनी लाइफ में एम्बाइव करने की कोशिश की मैंने ट्रेन किया अपनी लाइफ को अपने माइंड को ऑन डेली बेसिस कि डिफ़ीटेड नहीं फील करना है मेरे लिए विक्ट्री का मतलब केवल ये एग्जाम क्लियर करना नहीं था मेरे लिए विक्ट्री का मतलब था टू बी नॉट डिफीटेड बाई द सर्कमस्टांसिस तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट था मेरे लिए कि मुझे हार नहीं माननी है 2021 में मैंने पूरी कोशिश की आई गेव माई ऑल आई हैड एब्सोल्यूट बिलीव दैट आई विल मेक इट एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी प्री क्लियर नहीं हुआ आई रिमेंबर दिवाली के अराउंड रिजल्ट आया था एंड एवरी वन वॉज शॉकड एट होम जस्ट एक दिन पहले दिवाली का रिजल्ट आया था नो वन वॉज हैप्पी तो हमारी दिवाली ऐसे माहौल में निकली जहाँ पे प्री तीसरी बारी मेरा क्लियर नहीं हुआ है एंड बींग अ गर्ल एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड क्योंकि दोनों पेरेंट्स मेरे गवर्नमेंट फील्ड में uh, कार्यरत रहे हैं तो वैसे बैकग्राउंड में एक लड़की को कंटिन्यूसली अनसर्टेनिटीज के बीच में निकलना पड़ रहा है तो वो अपने आप में है डिफ़िकल्ट आई एम नॉट सेइंग मोस्ट डिफिकल्ट है बट यस yes, मेरे लिए वो था डिफ़िकल्ट वहाँ से जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में पहुँची तो वो डिसीजन अपने आप में बड़ी चीज़ थी कि करना भी है आगे या नहीं करना क्योंकि मैं डाउट करने लग गई थी बहुत फ्रस्ट्रेशन भर गया था अंदर बहुत गुस्सा था प्रोसेस को लेकर ये क्वेश्चन मैं कर रही थी कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ क्यों छोड़ी पीएचडी शायद अभी तक कुछ और लाइफ टर्न ले चुकी होती शायद इंजीनियरिंग कर ली होती तो कुछ होता तो ये सारे इफ सिनारीोज मेरे दिमाग में चल रहे थे एंड देन एज आई सेड आई वेंट बैक टू द फिलोसफी दर्कस ऑफ माई मैंटर एंड उनका एक स्टेटमेंट मेरे साथ रह गया विच वॉज़ दैट विंटर ऑलवेज टर्नस इन टू स्प्रिंग तो वो चीज़ पढ़ के मुझे इतने ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि अभी शायद विंटर चल रही है लाइफ की बट स्प्रिंग आएगी पर उसके लिए बैठे बैठे नहीं आएगी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा मुझे कंटिन्यूसली काम तो करना पड़ेगा तो आई डिसाइडेड कि मुझे एग्जाम देना है शायद कब अभी कुछ और है जो मुझे अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म करना है शायद मुझे अभी और वर्दी ऑफ दिस एग्ज़ाम बनना है एज अ पर्सन शायद मेरे अंदर अभी ऐसे टेंडेंसीज हैं जो मुझे और ट्रांसफॉर्म करनी है जिसको मेरे मेंटर एक टर्म बोलते हैं जो कि बोलते हैं ह्यूमन रेवोल्यूशन तो मुझे लगा शायद मुझे अपने अंदर अभी बहुत कुछ बदलाव लाना है चौथे अटैम्प्ट में जब मैंने ये पॉजिटिविटी के साथ काम करना स्टार्ट किया मैंने जीएस क्लियर किया एंड आते ही जब मैंने चेक किया आई रियलाइज कि सी सेट नहीं हो रहा है तो वो जो सेटबैक फील हुआ कि इतने साल के बाद फाइनली जीएस क्लियर हो रहा है और इसी साल जो हर साल पेपर क्वालिफाई हो रहा है इस साल वो पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वॉट इज द रीज़न आई स्टार्टड क्वेश्चनिंग माई डेस्टिनी आई स्टार्टड क्वेश्चनिंग माई लाइफ आई स्टार्टड फीलिंग कि आज तक जॉब नहीं की है पीएचडी तक जो चल रहा था स्कॉलरशिप मिल रही थी वो ठीक था पर कभी जॉब नहीं लिए हाथ में अब बिना जॉब के चौथे अटेम्प्ट में जी हो रहा है सी नहीं हो रहा है शायद ये इंडिकेशन है लाइफ का कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है शायद यू नहीं है मेरे लिए तो उस टाइम पे मैं इतनी ओपन थी टू ऑल द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ कि मेरे पास जो जॉब होगी अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल टेक इट अप एंड आई विल गिव माय ऑल एंड आई विल डू दैट टू द बेस्ट ऑफ माय पोटेंशियल एंड केपेबिलिटी ये चीज़ करते करते एकदम से मुझे ये हुआ कि शायद एक अटेम्प्ट और बनता है एक अटेम्प्ट तो वो एक हफ्ता जो मुझे लगा डिसाइड करने में कि अगला अटेम्प्ट देना है नहीं देना है उस एक हफ्ते में, में मेरा केवल एक सीकिंग माइंड था कि अगर ये पाथ मेरे लिए है तो मुझे वो अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए कि एक अटेम्प्ट और दे और वो आवाज़ आई कि एक अटेम्प्ट देना है एंड जब वो डिसीजन लिया मैंने तो कभी उसको फिर डाउट नहीं किया कि करना चाहिए आगे दो अटेम्प्ट नहीं दू जब एक बार डिसाइड कर लिया तो देन आई स्टूड बाय माय डिसीजन विद एब्सोल्यूट कन्विक्शन एंड वो सेम कन्विक्शन फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे दिखाया आई विल से दैट मैं प्रिविलिज हूँ कि मुझे बिना जॉब के मेरे पेरेंट्स ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इमोशनली सपोर्ट किया है कभी मेरे डिसीजनस को डाउट नहीं किया है तो वो मैं मानती हूँ कि बहुत प्रिविलिज पोजिशन से मैं ये इस प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली अपने आप को मोटिवेटेड रख पाई अगर शायद मेरी सिचुएशन अलाउ नहीं करती अगर फाइनेंशियली वो स्टेबल सिचुएशन uh, नहीं होती घर से तो शायद मैं नहीं कंटिन्यू करती यू तो एक रीज़न कि मैं यहाँ पहुँची हूँ इज डेफिनेटली बिकॉज माई पेरेंट्स हैव होल हार्टेडली सपोर्टेड मी थ्रू एवरी तो फाइनली जब पाँचवें अटैम्प्ट का मैंने सोचा कि करना है उस अटैम्प्ट में मैंने ये दिमाग में रखा कि अब मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना कि जो भी हो रिज़ल्ट चाहे फिर इस अटैम्प्ट का जो भी हो मुझे उससे अपनी पोटेंशियल अपनी वर्थ को नहीं जज करना है कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ इस एग्जाम के लिए एंड आई थिंक हम सब करते हैं वो मैंने भी किया है प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने भी की थी वो चीज़ कि शायद मेरे लिए नहीं बना है ये पेपर शायद मेरी पोटेंशियल नहीं है शायद मेरा एप्टीट्यूड नहीं है इस पेपर के लिए शायद मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ उतना तो वो सारे शायद वो सब मैंने इस अटैम्प्ट में हटा दिए आई गेव दिस अटैम्प्ट विद द माइंड कि अगर ये होगा वेल एंड गुड अगर नहीं भी होता है आई विल स्टिल कंटिन्यू विद दैट होप कि मेरी लाइफ के पोटेंशियल अनलिमिटेड है बिकॉज दैट्स वॉट मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है कि आपकी लाइफ के पोटेंशियल वास्ट एज यूनिवर्स है बस मुझे उसमें बिलीव रखना है तो जब ये अटैम्प्ट आया तो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग सब एग्ज़ाम के एक वीक पहले ना बहुत एंक्शियस मोड में होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा प्री पढ़ने का मन नहीं करता है ऐसा लगता है छोड़ दें बस कल पेपर ले लो तो आई रिमेंबर इस साल के जो uh, मैंने पांचवा अटैम्प्ट दिया उसके तीन दिन या चार दिन पहले प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट आई थिंक मे ट्वेंटी सेकेंड और मे ट्वेंटी थर्ड एंड मे ट्वेंटी एट्थ वॉज द प्रीलियम्स एग्जाम सो मेरे दो बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपना वो एग्जाम दिया था दो हज़ार बाईस का एक का उनमें से वो लास्ट अटैम्प्ट था एक का उसका फिफ्थ अटैम्प था दोनों ने इंटरव्यू दिया था आई वॉज वेटिंग फॉर द बोथ ऑफ देम कि वो दोनों शायद इस एग्जाम को इस बार क्लियर करेंगे बिकॉज आपको होप मिलती है जब आपके आसपास के लोग इस पेपर को क्लियर करते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था अपने आसपास पेपर क्लियर करते हुए इस uh, इस प्रोसेस में तो मेरे लिए जब वो रिजल्ट आया एंड वो रिज़ल्ट ऐसा आया कि दोनों का ही क्लियर नहीं हुआ फाइनली एंड स्पेशली दी वन जिसका लास्ट अटेम्प्ट था हम लोग सब डिसहार्टन थे कि आफ्टर गिविंग सिक्स ईयर्स एंड सिक्स ईयर्स तो अटैम्प्ट हैं आफ्टर गिविंग सेवन एट ईयर्स ऑफ वंस लाइफ इन द एग्जाम यू कम आउट एम हैंडेड एक गैम्बल था लाइफ में आपने जो लिया एंड इट डिड नॉट प्ले आउट इन योर फेवर जब उसका रिजल्ट नेगेटिव आया आई हैड लॉस्ट होप मुझे लगा कि इनका नहीं हुआ है जिन्होंने इतनी मेहनत की है जिनको मैंने देखा है इतने टाइम से जिनकी मेहनत को मैंने देखा है जब उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसा होगा आई रिमेंबर उस टाइम पे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी जिस पेज पे मैं थी वहाँ मैंने पेन रखा और वो बुक मैंने छब्बीस तक दोबारा नहीं खोली आई फेल्ट लाइक बर्निंग ऑल माई बुक्स आई फेल्ट लाइक नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम मैं उस लाइफ कंडीशन में थी तीन दिन पहले अपने एग्जाम के जहाँ मेरा मन था कि जिस प्रोसेस में मुझे इतने लंबे टाइम से फेथ था मेरा वो फेथ लूज हो गया कि अब शायद ये पेपर मैं नहीं दूंगी एंड उस सिचुएशन में मेरे उन दोनों फ्रेंड्स ने मुझे इनकरेज किया कि नो मैटर वॉट डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट बैठ के आना है पेपर में हैड इट नॉट बीन फॉर दोज टू पीपल माई फ्रेंड माई फैमिली I probably would not have even sat for the exam and not have reached here. तो उस अटम्प्ट में मैं अट्ठाईस को आई रिमेंबर आई इवेंट आई सैट एंड वी ऑल नो कि जो बैगेज था मेरा सी सेट ना क्वालिफाई होने का वो इस साल का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सी सेट मैंने फेस किया जिसके ऊपर इतना अप्रोर हुआ वो सी सेट मैंने फेस किया विदाउट एनी बैगेज क्योंकि वो जो तेज को जो एक एडवर्सिटी मैंने फेस की वो जो होपलेसनेस फेस की समहााउ आई टर्न दैट इंटू एन अपॉर्चुनिटी वेर आई फेल्ट कि आई एम डिटेच्ड फ्रॉम द प्रोसेस नाउ अभी तक कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल कनेक्ट था इस पेपर से एंड वो जो इमोशनल कनेक्ट था वो कहीं ना कहीं उस दिन ब्रेक हो गया मैं इमोशनली ड्रिवन नहीं रही इस एग्जाम के लिए मैं स्ट्रैटेजिकली बहुत प्रैक्टिकली ड्रिवन थी कि पेपर देना है नो मैटर वॉट द रिजल्ट इस मुझे अपना बेस्ट देना है आई गेव द फर्स्ट पेपर आई केम आउट आई गेव द सेकेंड पेपर आई केम आउट विद नो इमोशन अटैच टू द एग्जाम जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ आई केम बैक होम मैंने ना कीज चेक की एवरी वन अराउंड मी वो स्टेलिंग में इतने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे कितने आ रहे हैं इस साइड में नहीं करूँगी चेक रिजल्ट आएगा लिस्ट में नाम आएगा रोल नंबर चमका तो ठीक है नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ बिकॉज टैगनेटेड नहीं बैठना है चैलेंज चल रहा है चैलेंज करने के लिए आई एम रेडी बट मुझे केवल अब एक टेबल चेयर पे बैठ के चैलेंज नहीं करने अपने आप को मुझे बाहर कर जाना है मुझे वर्क फोर्स का पार्ट बनना है मुझे भी जॉब करनी है बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैं एक जगह बैठ के एक आइसोलेशन में मैं काम कर रही हूँ एंड देन जब रिजल्ट आया माई रोल नंबर वॉज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइव ईयर्स आई सॉ माई रोल नंबर इन देयर मैंने चार बार चेक किया मुझे चार बार आके लोगों ने बोला कि हो गया है एंड देन आई रियलाइज देर इज़ नो लुकिंग बैक नाउ बिकॉज मैं इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी कि मुझे मौका तो मिले मेंस तक जाने का मुझे मौका तो मिले प्री क्लियर करने का एंड फाइनली वो इस साल हुआ अगेन आई वॉज नॉट ओरिएंटेड की रिजल्ट क्या रहेगा आई थॉट कि अब मेन्स के लिए बेस्ट देना है वॉट इज इट डेट आई कैन डू आई वेंट बैक टू माई मेंज इन्करेजिंग मैसेजेस फॉर मी एंड जो मेन्स में बच्चों के लिए एक्सपीरियंस के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे हम फोमो बोलते हैं आज की लैंग्वेज में कि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज़्यादा होता है कि हम दस मटीरियल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और तीन महीने प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो तीन महीने इनफ नहीं है कि आप एक टॉपिक पे दस किताबें पढ़ें आपको बहुत मिनिमाइज करना पड़ेगा बहुत ब्रीफ रखना पड़ेगा आपको मटेरियल कम करना पड़ेगा पर आपके दिमाग में हमेशा एक फेयर होता है क्या पता मैं जो मटेरियल पढ़ रही हूँ वो इनफ ना हो शायद कोई और एस्पिरेंट पढ़ रहा है वो बेटर हो तो आप हमेशा उस डेलेम और उस माइंड में मेन्स की तैयारी कर रहे होते हैं मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड था था टीज थ्री मंथ्स टूवर्ड्स द मेन्स कि जो मटेरियल मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है इजीली अवेलेबल है जो मैंने आज तक की नॉलेज अक्यूमुलेट की है पाँच साल की तैयारी भी की है ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है जिस रीज़न से हिस्ट्री चूज़ किया था मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स जब टॉप किया तो मैंने बहुत उसमें हार्डवर्क किया था मैंने अपने सारे वो नोट्स निकाले एंड आई रियलाइज़ दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मैंने आज तक काम किया था मैंने उसे कंसोलिडेट किया मैं कोचिंग्स के पीछे नहीं भागी मैं आइसोलेशन में रह के जितना अपने आप पर बिलीव रख के मैं काम कर सकती थी मैंने वो किया एंड आई मेड श्योर कि कुछ भी चीज़ करनी है उसको अच्छे से करनी है दस चीज़ों की बजाय एक चीज़ पढ़नी है पर वो अच्छे से पढ़नी है तो वो जो माइंड रखा मैंने वो आई फील मेड ऑल द डिफरेंस एंड मुझे पहली बार मौका मिला मेंस लिखने का और मेरा क्लियर हो गया मेंस तो अगेन जब मेंस की लिस्ट uh, आई और रिजल्ट आया और मेरा रोल नंबर अगेन उस लिस्ट में था देन आई रियली रिफ्लेक्टेड बैक एंड रियलाइज की हाँ मेरी स्ट्रैटेजी सही थी और स्ट्रैटेजी नॉट टूवर्ड्स द एग्जाम क्योंकि वो सबकी डिफरेंट होती है स्ट्रैटेजी टू कीप योर सेल्फ ओरिएंटेड इन दैट डायरेक्शन इन दैट परपज दैट क्यों कर रहे हैं ये चीज़ वो स्ट्रैटजी मेरी बिल्कुल क्लियर थी दैट आई हैड फुल बिलीव इन माई एफर्ट्स आई हैड फुल बिलीव कि जो मैं कर रही हूँ वो इनफ होगा शायद और लोग मुझसे ज़्यादा कर रहे होंगे बट जितना कर मैं कर रही हूँ मैं उससे क्लियर कर लूंगी वो दिमाग में थी चीज़ एंड दैट डज नॉट मीन कि वो जो रिज़ल्ट आया फाइनली कि मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी भी टॉपर के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा कि उन्हें पता है कि उनका पेपर क्लियर ही हो रहा है उनकी रैंक आ रही है ऐसा नहीं होता है बट एक होप होती है कि हाँ इस बार होना चाहिए सो so वो होप के साथ में कंटिन्यूअसली आफ्टर मेन्स भी काम करती गई एंड जब मेन्स क्लियर हुआ ऐसा है चैलेंजेस भी आए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेन्स चैलेंजेस आए मैं स्पेक्स यूज़ करती हूँ जुलाई के एकदम पीक टाइम में मुझे माइग्रेन अटैक स्टार्ट हुए और एक हफ्ता कंटिन्यूसली मैं अपने ना आई पे काम कर पा रही थी ना मैं बुक्स पढ़ पा रही थी और एक हफ्ता मैंने बुक्स बंद रखी बिल्कुल जहाँ हम एक एक दिन के लिए फियर करते हैं कि एक दिन भी कम ना पड़े वहाँ मैं एक हफ़्ता काम नहीं कर पा रही थी पर अगेन नॉट गेटिंग ओवरवेलम्ड कि वो मेरा एक हफ़्ता चला गया औरों ने तो उस एक हफ्ते में पता नहीं क्या ही क्लियर कर दिया होगा क्या कवर कर लिया होगा नॉट थिंकिंग की और क्या कर रहे हैं थिंकिंग कि यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ मेरे हाथ में क्या मेरे कंट्रोल में क्या है जो मैं कर सकती हूँ तो मैंने फोकस केवल उस चीज पे रखा वॉट इज इट दैट इज इन माई पावर टू डू अनकंट्रोलेबल्स को तो मैं वैसे ही नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ बिकॉज ये एग्जाम है अबाउट अनकंट्रोलेबल्स अबाउट अनसर्टनिटीज अबाउट ऑल द प्रोबेबिलिटीज अराउंड योर इन्वायरमेंट सो वॉट इज इट इट आई कैन डू आई फोकस्ड ऑन दैट एंड आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस आई मेड इट टू दिल द मीन्स फाइनली आई गॉट द चांस टू अपियर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड द सेम स्ट्रैटजी आई फॉलोड हैविंग दैट सेल्फ बिलीफ बिकॉज ये था मेरे दिमाग में कि जो पर्सनैलिटी आज उनतीस तीस साल से बनी है मेरी वो एक कोई इंटरव्यू देके तो चेंज नहीं हो जाएगी दस मॉक देके भी वो चेंज नहीं हो जाएगी डेफिनेटली फाइन ट्यून हो सकती है पॉलिश की जा सकती है बट ट्रांसफॉर्म हो जाए कुछ नया मैं मैन्युफैक्चर कर दूं अपने बारे में वो पॉसिबिलिटी नहीं है सो आई रियलाइज दैट हुए आई एम वॉट एवर आई हैव गेन्ड टिल नाउ वॉट एवर एक्सपीरियंसिस आई हैड इन लाइफ दे विल इन्फॉर्म माई आंसर्स दे विल हेल्प मी सो so, मैं बहुत मॉक्स के पीछे भी नहीं भागी मैंने तीन मॉक्स दिए दो एक ही इंस्टीट्यूट में एक दूसरे इंस्टीट्यूट में सो आई ओनली वेंट फॉर थ्री मॉक्स विद द सेल्फ बिलीफ कि अगर ये चीज़ है मेरे लिए तो इतने से ही होगी मुझे दस्त देने की ज़रूरत नहीं है तो अगेन कमिंग बैक टू दैट सेल्फ बिलीफ कि वो मुझे बिलीव था कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है मेरे लिए शायद जो और लोग कर रहे हैं वो उनके लिए सही है तो ये हुआ एंड फाइनली सिक्सटीन ऑफ अप्रैल जब रिजल्ट आया एंग्जाइटी तो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो कि हमारे पास सारे सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं जहाँ पे खबरें आती है कि आज रिजल्ट आएगा कभी ट्विटर पे पता चलता है कभी टेलीग्राम पे आज रिजल्ट आएगा सो ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल टिल सिक्सटीन ऑफ अप्रैल अराउंड टू ओ जब रिजल्ट आया तो वो एंगजाइटी थी कि इस साल क्या होगा तब तक केवल प्रोसेस ओरिएटेड था मेरा माइंड बट अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अब दिमाग में आया कि अच्छा अब रिजल्ट क्या रहेगा अच्छा 16 को फाइनल रिजल्ट आना है तो 16 के बाद क्या लाइफ होगी अगर नहीं होता है मैं उस सिनारियों के बारे में भी सोच रही थी कि अगर नहीं होता है तो आई विल स्टिल कैरी ऑन विद होप इन लाइफ दिस एग्जाम स्टिल डज नॉट जज माई पोटेंशियल दी एग्जाम स्टिल डज नॉट टेल मी एनी थिंग अबाउट हु आई एम एज अ पर्सन तो मैंने वो चीज़ अपनी एंगजाइटी को कंट्रोल किया मैं कंटिन्यूसली जो अभी तक काम कर रही थी रिजल्ट्स जो इंटरव्यू के बाद मैं वो कंटिन्यूसली करते गई मैं अपने एनजीओ के मेम्बर से मिलती रही मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और जब 16 अप्रैल को रिजल्ट आया मेरा नाम उस लिस्ट में था तो वो जो मोमेंट है वो अभी भी सोच के मुझे गूसबंप देता है कि वो नाम उस दिन मैंने लिस्ट में देखा एंड 16 अप्रैल जो मैं इतने साल से जो एक ड्रीम था आई वुड से एक पॉइंट के बाद वो कॉन्शियस डिसीजन बना एक पॉइंट के बाद वो एब्सोल्यूट मोटिवेशन बना कि मुझे अपने अंदर डिफीटेड फील नहीं करना है फाइनली उसका रिजल्ट आया दैट आई क्लियर द एग्ज़ाम एंड ट्रस्ट मी टिल डेट कई बार ऐसा फील होता है कि हो गया है क्या एग्ज़ाम क्लियर तो इट्स नॉट लाइक कि वो पिनिकल था उसके बाद भी डाउट्स उसके बाद भी एंग्जाइटीज़ होंगी बट द पॉइंट इज दैट डे मेड अ डिफरेंस दैट डे टर्न दर्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी नाउ दैट येस आई मेड इट एंड द जर्नी वॉज़ फिल्ड विद लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस बट आई विल से देर आर सो मैनी पीपल जो मेरे से बेटर हैं आई एक्नोलेज दैट आई एम फ्रॉम आई एम कमिंग फ्राम अ प्रिविलिज पोजिशन बिकॉज मुझे अपने पेरेंट्स का एब्सिल्यूट सपोर्ट रहा है शायद हर किसी को वो सपोर्ट नहीं मिलता है आई एम ऑल्सो सीइंग मैं सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग शायद पर्सन नहीं हूँ मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं होंगी पर येस वन थिंग दैट आई एम श्योर ऑफ एंड सर्टेन ऑफ इज दैट आई एम अ पर्सन ऑफ एब्सोल्यूट फेथ आई एम अ पर्सन ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ बिलीव इन वन सेल्फ शायद उसमें मुझे कोई सरपास नहीं कर सकता इतना मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं एंड आई एक्नोलेज दैट बट यस आई एम अ पर्सन ऑफ फेथ क्योंकि मेरे मेंटर ने मुझे एक चीज़ बोली थी विच वॉज स्माइल एज अ कॉज एंड नॉट एज एन इफेक्ट हम लाइफ में हमेशा स्माइल करते हैं खुश होते हैं बिकॉज कुछ इफेक्ट होता है लाइफ में कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं बट हम कभी भी कॉज की तरह स्माइल नहीं करते हैं कि स्माइल तो करें एट लाइफ मे बी देन लाइफ विल स्माइल बैक एट अस दैट मे बी देन लाइफ विल गिव अस दो रिवॉर्ड्स तो ये जितना मेरा प्रोसेस रहा उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए नहीं आई थिंक जितने एस्पिरेंट्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं जिन्होंने इस लेवल तक एग्जाम के अंदर वो जाते हैं जहाँ पाँच वहाँ छठा अटैम्प्ट होता है सबको ये एंगजाइटीज़ आती है सबको ये अनसर्टिनिटीज़ आती है लाइफ में बट द पॉइंट इज हाउ यू डील विद दोसर्टनिटीज़ एंड मेरे अंदर ओवरवेलमिंग ग्रैटिट्यूड है फॉर द फैक्ट दैट आई फाउंड द राइट मैंटर इन लाइफ जिन्होंने मुझे हमेशा उनके इनकेजिंग इंकरेजिंग मैसेजेस से एक डायरेक्शन मिलती रही मुझे एंड वो डायरेक्शन ये थी कि यू हैव टू लिव लाइफ एट ईज नो मैटर वॉट क्योंकि चैलेंज एग्जाम क्लियर करने के बाद खत्म थोड़ी हो रहे हैं चैलेंज तो नए बिगिन होंगे अभी लिस्ट में नाम आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सबसे बड़ा चैलेंज फील हो रहा था बट चैलेंज यहाँ से ज़्यादा और होंगे सो हाउ यू डील विद दो चैलेंजेस द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम द काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू बिकम थ्रू दोज चैलेंजेस दैट वॉज वॉट माई मोटिवेशन वॉज द प्रोसेस वॉज विच आई इनिशियली बिगैन विद कॉलिंग ह्यूमन रेवोल्यूशन तो मेरे जितने साल की प्रिपरेशन रही है मैंने फोकस केवल इसी चीज़ पे किया कि मैं अपने आप को कैसे वर्दी इंडिविजुअल बना सकती हूँ मैं कितना पॉलिश कर सकती हूँ अपने आप को कितना फाइन ट्यून कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए आई फील बहुत बड़ी चीज़ रही है जो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी आप पीछे मत रखिए जो बहुत बड़ा एक रोल है आज आपकी सक्सेस और फेलियर में वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं मेरे को भी वो फेस हुए थे मेरे आसपास बहुत लोगों को मैंने देखा है गिव अप करते हुए भी ओवरकम करते हुए भी सो so, मेरा एक जो आप सबके लिए एक सजेशन रहेगा वो ये है प्लीज़ लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ प्लीज़ मेक श्योर आप लोगों से बात करें अपने लव्ड वन से बात करें इस बारे में एंड दूसरी चीज़ ये टू द पेरेंट्स ऑल्सो एंड टू सोसाइटी एट लार्ज कि फेलियर और सेटबैक्स को आप टैबू मत बनाइए ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है उसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और जो छठे में कर रहा है वो शायद नहीं कर रहा उसकी पोटेंशियल ही नहीं है आई फील जो इंसान इस एग्जाम में बैठने का डिसीजन भी ले रहा है ना वो अपने आप में एक करेजियस एक्शन है वो अपने आप में एक आपकी कन्विक्शन को शो करता है दैट यू वॉन्ट टू गिव दैट वन ईयर अगर आप एक साल में कर पा रहे हैं इफ़ नॉट देन सब्सटैंशल ईयर ऑफ योर लाइफ टू दिस एग्जाम सो पैट योर सेल्फ ऑन द बैक फॉर दिस डिसीजन इज सेल्फ क्योंकि शायद आसपास के लोग नहीं करेंगे शायद सोसाइटी नहीं करेगी बिकॉज द पर्पज़ ऑफ पीपल अराउंड अस इज़ टू पुलस डाउन

राइट right? कि क्यों बिट्स छोड़ा क्यों पीएचडी छोड़ा क्यों चार साल पाँच साल इस एग्जाम में दिए क्यों जॉब नहीं ली बट आई न्यू फॉर माई सेल्फ अगर ये नहीं भी होता है आई विल नॉट क्वेश्चन माई लाइफ आई विल नॉट क्वेश्चन माई डिसीजन बिकॉज उस मोमेंट में जब वो डिसीजन लिया था तब मैंने कन्विक्शन के साथ लिया था सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग विद मी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि अरे प्रोसेस में इतना गंदा है इसलिए इतना टाइम लग गया अरे सपोर्ट नहीं मिल रहा है अरे चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं मेंटल हेल्थ सिचुएशन हैं सबके साथ हैं बट वॉट इज इट दैट यू कैन डू यू कैन स्टिल स्टैंड अपट करेज कि नहीं मुझे इंश्योर करना है दैट आई डो नॉट गेट डिफीटेड बिकॉज फॉर मी द डिटर्मिनेशन टू विन इज द बेटर पार्ट ऑफिंग द विक्टी डॉट लाए इनिंग एट द एंड विक्ट्री लाई इज इन नॉट गेटिंग डिफीटेड तो ये जो चीज रही मेरे साथ ये जो इमोशन रहा मेरे साथ कि अपने अपने आप में अपनी लाइफ में वो एब्सोल्यूट फेथ रखना है ऑल ओ फर्स्ट अंडरस्टैंड थिंग साइंटिफिकली आई एम अ पर्सन ऑफ़ फेथ बिलीफ एंड स्परिचुअलिटी वेर एन आई बिलीव दैट बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं बहुत चीज़ें हैं जो शायद हम अपने एक्शन से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं सो वॉट इज इट दैट यू कैन कंट्रोल फोकस ऑन दैट नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जो मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ इफ यू डोंट कम आउट विक्टोरियाज एट देंड ऑफ इट बिकॉज मैंने क्यूमलेटिवली कलेक्टिवली जितने फेलियर्स देखे हैं अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया है अपने लार्जर सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स के साथ वो कलेक्टिवली फेलियर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सक्सेस इन द एग्जाम सो ये चीज़ क्लियर रखें कि एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे एग्जाम का एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है उसमें यू कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक राइट यू यू कैन नॉट डिविएट इन दैट प्रोसेस वो आपको फुलफिल करना है वंस दैट इज डन नाउ थिंग्स आर आउट ऑफ योर हैंड वंस यू हैव डन योर पार्ट ऑफ द जॉब नाउ द रेस्ट ऑफ द अनकंट्रोलेबल्स इज कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्स अराउंड यू योर एनवायरमेंट तो ये जो एग्जाम क्लियर होना होता है उस लिस्ट में उस होली पी को जो हम बोलते हैं उसमें नाम अपना देखते हैं वो केवल अपनी नॉलेज अपने एफर्ट अपने हार्डवर्क अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना केवल ये नहीं है उसमें इतने एडिड फैक्टर्स हैं जो शायद हम इन नहीं क्वेश्चन करते हैं कभी भी एंड हम अपनी पोटेंशियल को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मैं लायक नहीं हूँ शायद मैं केपेबल नहीं हूँ बट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लक अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गुड फॉर्चून एज आई सेड आई एम नॉट द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई एम नॉट द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई एम द पर्सन ऑफ एथ एंड सेल्फ बिलीव तो मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स उस दिन इन प्ले आए जितनी सारी प्रॉबिबिलिटीज हो सकती थी यूनिवर्स में वो सारी एट प्ले आई एंड दे प्लेड अ रोल इन माई फेवर दैट डे दैट्स वाई आई एम स्टैंडिंग हियर इट्स नॉट एब्सोल्यूटली आउट ऑफ माई ओन हार्डवर्क वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस एग्जाम में बिकॉज इस एग्जाम का पैटर्न ऐसा है इट इज़ अनप्रडिक्टेबल इट इज़ फिल्ड विद अनसर्टनिटीज़ सो नेवर डाउट योर सेल्फ फॉर इट नेवर डाउट योर पोटेंशियल नेवर क्वेश्चन योर सेल्फ फॉर इट कि शायद मैं लायक नहीं हूँ बिकॉज देन वी आर डिफीटेड फ्रॉम विद इन हम बैठे नहीं है एग्जाम में और उससे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद मैं लायक नहीं हूं तो आप मत जाइए उस एग्जाम में बिकॉज आप ऑलरेडी डिफीटेड हैं अपने माइंड में आपने वो डिफीट स्वीकार कर लिया है अपनी लाइफ में कभी भी बिलीफ को मत लूज कीजिए एंड अपने ऊपर डाउट्स मत लेके आइए स्टैंड बाय योर डिसीजंस दिस इज व्हाट माय जर्नी इज ऑल अबाउट आई स्टूड बाय माय डिसीजंस एंड एट द एंड द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू ऑल द एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू हुर स्टिल स्ट्राइविंग इन द एग्जाम जो आने वाले हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए उनके लिए केवल एक मैसेज है विच इज ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ हैव प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड फॉर ईवन द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग बिकॉज हर कोई वो चैलेंज भी नहीं फेस कर रहा है हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो उस एग्जाम की तैयारी के लिए बिगिन कर सकें सो हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द फैक्ट दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर दिस ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन दिस जर्नी एंड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव एंड अपने डिसीजनस के साथ बिलीफ के साथ खड़े रहें आप बिकॉज दैट इज़ वॉट मैटर्स एट दी एंड हैपीनेस जॉय इज़ नॉट सिंपली गेटिंग इन टू दिस्ट इट इज़ मच बियॉन्ड दैट सो यू पी एस सी इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ इट कैन नॉट बी योर लाइफ एब्सोल्यूटली आपकी ये सर्विस आपका ये एक रैंक लाना आपका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है इट कैन नॉट बी योर सोल आइडेंटिटी सो डोंट लेट इट बिकम योर सोल आइडेंटिटी डोंट गेट सो इमोशनली अटैच इन द प्रोसेस कि आप अपने आप को लूज कर दें सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू कंक्लूड विद एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी थैंक यू हेलो एक्सपीरियंस हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें कोचिंग ले कि नहीं हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स ने जोश जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या टॉक्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियाँ सुनाने जोश टॉक्स से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें कोचिंग लें कि नहीं कौन सी कोचिंग लें ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज़ करें क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है तो दो कोचिंग्स और मान गई हैं केएसजी आईएएस और अन अनअकैडमी अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी हम घर बैठे केएसजी आईएएस और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हां हम यहाँ भी ले सकते हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है अगर हम चाहते हैं कि हमें इस से फोन आए, तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद